खरगोन पुलिस ने शनिवार को एक अंतर्राज्यीय बदमाश को अवैध पिस्टल और कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला भगवानपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने लंबे समय से फरार वारंटी बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध पिस्टल और बाइक जब्त की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदमाश प्रहलाद सिंह सिकलीगर पर राजस्थान जयपुर के एसओजी में भी प्रकरण दर्ज है, जिसके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने फरारी वारंट जारी कर रखा है। फिलहाल खरगोन पुलिस आरोपी बदमाश को रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी के बड़े गिरोह से जुड़े होने का खुलासा हो सकता है। देखिए, इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है ये जयपुर राजस्थान से फरार है। राजस्थान की एसओजी पुलिस के द्वारा इसमें वारंट जारी किया हुआ है। इसकी काफ़ी लंबे समय से तलाश थी और भगवानपुरा थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अवैध हथियारों के साथ उस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसको ट्रैप किया गया और इसको हिरासत में लिया गया है। ये मोटरसाइकिल से अवैध पिस्टल और कट्टे के साथ मूवमेंट कर रहा था, तो जो टोटल सीजर हुआ है इसमें 11 अवैध हथियार इससे जब्त हुए हैं। ये इंटर स्टेट क्रिमिनल है और ये अवैध हथियार बना के सप्लाई करता है। पूर्व में जब जयपुर में इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से ये फरार हो गया था, इसमें वारंट जारी किया हुआ था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी इंटर स्टेट लिंकेजेस निकल के सामने आएंगे। देखिए, ये सिगनूर जो एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो सिकलीगर कम्युनिटी के लोग हैं, ये लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। ये जो प्रहलाद आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है ये भी सक्रिय था और लगातार फरार था। इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से काफ़ी लिंकेजेस मिलेंगे और अवैध हथियार के क्षेत्र में जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है उसका खुलासा होगा। ये कहीं ले जा रहा था ये जो सूचना मिली थी तो 11 जो इसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं, हथियारों को ये सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था। अभी कस्टडी में लिया गया है, इसे पूछताछ करेंगे फर्दर डिलीवरी कहाँ होने वाला है। ये भगवानपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।